भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भारत के सभी हिस्सों से राजघाट नई दिल्ली तक साइकिल रैली की आयोजित की है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भारत के सभी हिस्सों से राजघाट नई दिल्ली तक साइकिल रैली आयोजित की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा कन्याकुमारी से राजघाट नई दिल्ली तक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2021 को नई दिल्ली पहुंचेगी। देशभक्ति गीतों से रंगारंग कार्यक्रम के साथ समारोह की शुरुआत हुई। राज्य के मंत्री सुनील केदार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, देश आने वाले समय में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनेगा और हम उसी रास्ते पर है। साथ ही रैली में शामिल हुए सभी को सैल्यूट किया। साथ ही रैली में दो जवान जो शारीरिक रूप से अपंग है, जिन्होंने 500 किलोमीटर का फासला साइकिल से तय किया, उन्हें भी मेरा सलाम। खास करके महिला आगे बढ़ रही है नागपुर से, क्या सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के लिए यहाँ के जिन्होंने हमें बुलाया, श्री प्रशांत जांबुलकर, तहे दिल से शुक्रगुजार। Yes, given me the opportunity to be here and just see this occasion. ये बात सही है कि ये 75वीं वर्षगांठ के तहत एक बहुत बड़ा, एक अच्छा और मोरल बूस्ट करने वाला और आज़ादी के प्रति समर्पित होने का एक प्रोग्राम यहाँ पे सीआरएफ की तरफ का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत सराहना प्रोग्राम रहा है। मैं उससे ज़्यादा हूँ कि a lady officer, she is going to lead this battalion from Nagpur. तो ये हमें फिर से याद दिलाता है कि हमारी महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। इस देश में झांसी की रानी, इस देश में ये क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, ये जो हो गए प्रतिमा, इनके तहत ही ये लोग तैयार हुए। इनकी प्रेरणा से नए बच्चों में भी काफ़ी कुछ उत्साह निर्माण होगा और आज़ादी के प्रति मालूमातों के नए जनरेशन फिर से अपने आप को इस आज़ादी को संभालने के लिए अपना फर्ज निभाते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। डॉक्टर फ्रेटर्निटी के होने के बावजूद मैम, ये महिला सशक्तिकरण को आप प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देश भर में, नागपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, कैसे ये जर्नी आगे आने वाले दिनों की होने वाली है? हम कल 16 सितंबर को निकलेंगे इधर से संविधान चौक से, और मैं और मेरे 15 साइकिलिस्ट हैं, हम सब सीआरपीएफ के फौजी हैं। मैं डॉक्टर हूँ, फौजी हूँ, एंड आई थिंक हमारे लिए ये एक हम एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए पिछले 1.5 ईयर से जितना हमने कोविड से स्ट्रगल किया है, तो हम एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि फिटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने फिटनेस को एक एवरीडे का रूटीन बनाएं, और इसलिए ये रैली हमने नागपुर कन्याकुमारी से वाया नागपुर टिल न्यू दिल्ली हमने सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइज़ किया और हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि फिटनेस हमारा डेली रूटीन होना चाहिए और ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। हम इधर से जबलपुर जाएंगे और फिर जबलपुर से वी विल प्रोसीड टू न्यू दिल्ली। अगर एक शब्द में मैम कहूँ आपकी, अगर क्या प्रतिक्रिया होगी? हाउ इज़ द जोश? हाई, द जोश इज़ वेरी हाई। थैंक यू। बीसीएन न्यूज़ के लिए हिंगना से आशीष गोंडाने की रिपोर्ट।